जिन वर्दी वालों पर हम आंख मूंद के विश्वास करते हैं, अगर वही अपनी वर्दी का फर्ज भूल जाएं, तो आप क्या कहेंगे? इससे पहले हम आपको पूरी खबर बताएं, आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये वो फोटोज हैं जो बीते दिनों अखबार में छपी और फिर देखते ही देखते बवाल हो गया। इन फोटोज में मेरठ पुलिस का ये जवान एक नन्हे से बच्चे को किसी बेजुबान गुड़िया की तरह उसकी बाह से पकड़े हुए नजर आ रहा है। ये फोटो हम आपको शायद ना दिखा पाए क्योंकि ये फोटोज ना सिर्फ विचलित करने वाली है बल्कि इंसानियत को शर्मसार भी करती है। फोटो सामने आई तो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। इन्हें देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। मासूम से बच्चे को इस निर्मम तरीके से पकड़ने के लिए हर जगह मेरठ पुलिस की आलोचना होने लगी। तारीख 22 जून, जगह मेरठ का बेगमपुर चौराहा। मंगलवार को मेरठ के बेगमपुर चौराहे पर रहने वाले दो गुटों की आपस में भिड़ंत हो गई। दरअसल ये लोग असल में खानाबदोश हैं जो कि फुटपाथ पर ही रहते हैं और वहीं सोते हैं। शराब के नशे में धुत इन गुटों में आपस में खूब मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची तो उनके साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। इसमें हेड कांस्टेबल की वर्दी फट गई, कुछ से उनके बैग छीन लिए गए, वहीं सड़क पर गिरकर होमगार्ड भी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झगड़ा करने वाले इन गरीब परिवारों की महिलाएं भी पुलिस पर ईंट पत्थर फेंकने लगी और गिरफ्तारी का विरोध करने लगी। इन महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी थे। इस बीच ट्रैफिक पुलिस का एक जवान अपनी खाकी वर्दी का फर्ज भूल गया और उसने 2 महीने के एक मासूम से बच्चे को एक बाजू से लटका कर घसीट डाला। जब यह हंगामा हो रहा था तो कुछ लोग वहां खड़े होकर वीडियो बनाने लगे और फोटोज खींचने लगे। ये तस्वीरें भी उसी दौरान की है। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये फोटो सामने आई, लोग छोटे से बच्चे के साथ मेरठ पुलिस द्वारा ऐसा बर्ताव करने पर भड़क पड़े। एक यूजर ने लिखा, क्या एक नन्हे से मासूम बच्चे को इसी तरीके से पकड़ा जाता है? वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, अपना बच्चा बच्चा, गरीब का बच्चा कीड़ा मकौड़ा। जहां एक तरफ इस मामले को लेकर मेरठ पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, वहीं इस पर राजनीति भी गर्मा गई। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट कर लिखा, शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस के नेता राधिका खेड़ा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मेरठ में महिला पुलिस नहीं है, परिस्थिति का बहाना ना दीजिए, एक बच्चे को उठाने का ये कोई तरीका नहीं है। फोटो में महिलाओं के साथ छोटी बच्ची भी दिख रही है, यहाँ महिला पुलिस कर्मी क्यों नहीं है? हालांकि मामला बढ़ने के बाद मेरठ पुलिस ने इस मामले पर अपनी सफाई देते हुए एक वीडियो भी जारी की। इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने बच्चे को पत्थरबाजों से बचाने के लिए वहां से हटाने की कोशिश की और ये फोटो उसी वक्त का है। ये घटनाक्रम इस प्रकार से है कि जो कल झगड़ा हुआ है दो गुटों के बीच में, पुलिस के पहुंचने पर भी वो पक्ष नहीं माने और पथराव करते रहे, दूसरे को पत्थर मारते रहे। वहीं पर छोटे बच्चे भी डिवाइडर पर जो थे, उन बच्चों को इससे चोट न लग जाए तो उसमें से बच्चे को पुलिस ने इवैक्यूएट किया था ताकि उसको सुरक्षित जगह पहुँचाया जा सके और उसके जीवन को किसी प्रकार की हानि ना हो। उसी घटनाक्रम के दौरान किसी गलत एंगल से या घटनाक्रम के दौरान लिया गया और बिना इसके कंटेक्स्ट के इसको प्रचारित कर दिया गया। इतना ही नहीं, मेरठ पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से बच्चे की मां का एक वीडियो बयान भी जारी किया, जिसमें वो मामले की सच्चाई बताते हुए नजर आ रही हैं। इसमें वो साफ तौर पर कह रही हैं कि इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है। साथ ही में वो ये भी कह रही हैं कि उनका बच्चा बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है? हमारा नाम है सावरवती। जो कल लड़ाई हुआ था उसी के बीच में दोनों पार्टियों ने शराब पी के लड़ाई कर दी। क्या नाम है? उनका नाम राजपाल अजय कुमार। उसी में हमारी बच्ची आ गई थी लड़ाई के बीच में। पुलिस अंकल ने मेरी बच्ची को बचा के दे दी थी। मेरी बच्ची को कहीं चोट कहीं नहीं लगा है। अच्छा। कल अखबार में लिखा हुआ है, पेपर आया था हमारी बच्ची के, वो सब झूठ है। लेकिन मेरठ पुलिस का इस तरह से मामले पर सफाई देना लोगों को नागवार गुजरा। लोगों ने ट्वीट कर मेरठ पुलिस पर न सिर्फ गलतियां छिपाने का आरोप लगाया बल्कि ये भी कहा कि तोते की तरह बच्चे की मां से स्क्रिप्ट पढ़वाने से उनका गुनाह कम नहीं होगा। कुछ लोगों ने इस वीडियो पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए ये भी कहा कि ये बच्चा गरीब का था तभी ऐसा हुआ, अगर किसी अमीर का होता तो पूरे देश में कोहराम मच चुका होता। साथ ही कुछ लोगों ने ये भी कह डाला कि भले ही सच को छिपाने की लाख कोशिश क्यों न कर ली जाए,
सच क्या है इसकी असलियत हर किसी को मालूम होती है। बहरहाल इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट सेक्शन पर लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ी रहिए टीवी 9 भारतवर्ष के साथ। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।